हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। माय फ्रेंड्स, एज आई सेड यू दैट एवरी डे आई विल कम विद अ न्यू सीरीज ऑफ वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बुक एसपी बख्शी। तो आज हम 11 से लेकर 20 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसपी बख्शी बुक से लिया गया है उस पर चर्चा करेंगे। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप इस सेशन के बाद, इस वीडियो देखने के बाद, आपको ये 10 वर्ड्स पूरी तरह से याद हो जाए। तो बिना देर किए आइए आगे चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड पीछे मेरे वीडियो 1 to 10 के लिए भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बिना देर किए आइए शुरू करें। बायगोट, बायगोट मीन्स वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव। एक्सेसिव मीन्स होता अत्यधिक। अत्यधिक इंथुसियाज्म मीन्स होता है उत्साह, यानी कि जो अत्यधिक उत्साह से इन रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में जो काफी उत्साह से, अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ हो, उसको बायगोट बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धर्म से अत्यधिक प्रबल रूप से भरा हुआ, इसका साइनोनिम होता है फैनेटिक, यानी कि धर्म के प्रति पागलपन। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसको धर्मांध भी हम कर सकते हैं। धर्मांध हिंदी में मीनिंग देखें तो हम इसको धर्मांध वर्ड भी दे सकते हैं। दूसरे वर्ड पे आते हैं बोहेमियन। बोहेमियन जीने का एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जीने का एक अप्रत्याशित तरीका, यानी कि जो घुमक्कड़ वाली जिंदगी जी रहे हो वो, उसको आप बोहेमियन कहते हैं। बोहेमियन में से एक घुमक्कड़ वाली जिंदगी, जिसको हम खाना बदोश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? खाना बदोश टाइप के लोग जो होते हैं उन्हें हम खाना बदोश टाइप के लोग जो होते हैं, घूम घूम के जिंदगी बिताते हैं, उसको हम बोहेमियन बोलते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड नंबर 13, टैकोग्राफी। टैकोग्राफी वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। टैकोग्राफी का मतलब होता है जो स्पेलिंग में बहुत बुरा हो उसे टैकोग्राफी बोलते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग में, जिसकी स्पेलिंग बहुत खराब हो, उसको टैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो कैकस ग्राफिस्ट, या जिस वर्ड के अंत में इस्ट लगे इसका मतलब होता है कोई पर्सन। यहाँ पे ग्राफ मीन्स होता है राइट, एंड कैकस मीन्स होता है बैड। तो इस वर्ड को आप देख सकते हैं, बैड राइटिंग वाला व्यक्ति। बैड जो ग्राफ का मतलब होता है रचना भी करना होता है, स्पेलिंग भी होता है, इंस्क्रिप्ट भी करना होता है। तो यहाँ पे जिसकी स्पेलिंग बहुत खराब हो उसको टैकोग्राफी। नंबर 14 वर्ड कैनिबल। कैनिबल मीन्स जो व्यक्ति ह्यूमन मांस खाने वाले को, यानी कि कोई पर्सन हो, कोई लिविंग क्रिएचर हो, जो ह्यूमन फ्लैश मानव के मांस को, मानव का मांस, यानी दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि मानव भक्षी या नर भक्षी। ऐसे व्यक्ति को जो ह्यूमन फ्लेश को खाता हो उसको नरभक्षी या मानव भक्षी कहते हैं। कार्निवरस, कार्निवरस मीन्स होता है जो मांस खाता हो, फ्लेश मीन्स मांस। ऐसा व्यक्ति या ऐसे लिविंग क्रिएचर जो मांस पर डिपेंड करते हैं उसको कार्निवरस बोलते हैं। वर्ब मीन्स होता है टू ईट, और कार्निवरस यहाँ पे होता है, कार्नि मतलब होता है फ्लेश, तो जो मांस को खाने वाले थे उसको कार्निवरस बोलते हैं। 16 नंबर वर्ड पे आते हैं सॉविनिस्ट। जैसा कि मैंने बताया निस्ट किसके लिए आता है, आई एस टी, किसी पर्सन के लिए।
तो आप देख सकते हैं, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, एक विचार से बहुत ज्यादा एकदम अंधा, जिसको हम कहते हैं कि अंधानुकरण करना, अंधानुकरण करना यानी कि किसी विचार से बहुत ज्यादा प्रेरित होना, ब्लाइंडली उसको एकदम अंधेपन की हद तक उसके प्रति समर्पण दिखाना, जिसके हम जिसको ब्लाइंडली डिवोटेड का मतलब हो सकता है अंधानुकरण, अंधानुकरण यानी कि जिस चीज को एकदम अंधेपन की हद तक मानना हो, किसी विचार से प्रेरित हो तो उसको अंधानुकरण कर। आगे बढ़ते हैं, सेवनटीन नंबर वर्ड है कन्वाइसर। कन्वाइसर मीन्स होता है कि किसी कला का या क्राफ्ट का जो एक क्रिटिकल जज होता है, यानी कि उस चीज को बारीकी से जज करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको कन्वाइसर बोलते हैं। एक क्रिटिकल जजमेंट देना होता है, क्रिटिकल मतलब होता है कि बहुत बारीक निर्णय जिस पर उस पर बड़ी बारीक ध्यान रखने वाले को कन्वाइसर बोलते हैं। 18 नंबर का वर्ड है कंटेम्परेरीज। कंटेम्परेरीज मीन्स होता है अ पर्सन हु इज लिविंग एट द सेम टाइम ऑफ समवन, यानी कि पर्सन जो किसी के समान समय पर रह रहा हो, एट द सेम टाइम, लिविंग एट द सेम टाइम, उसको ऐसे व्यक्ति को या ऐसे लोगों को कंटेम्परेरीज बोला जाता है। जैसे शेक्सपियर जो थे, वो एलिजाबेथ के कंटेम्परेरी माने जाते हैं, इसलिए एलिजाबेथन एज भी उसका नाम पड़ा है, यानी शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथ के कंटेम्परेरी थे। कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट मीन्स होता है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहा हो और अब वह अपना हेल्थ रिकवर कर रहा है, यानी कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बीमारी से ठीक होना, बीमारी से ठीक होना यानी कि बीमार व्यक्ति यदि ठीक होता है बीमारी से, धीरे धीरे ठीक होना, स्लोली ठीक हो जाने को हम क्या कहते हैं, कन्वेलेसेंट बोल। लास्ट वर्ड जो आज का है 20, कोकेट। कोकेट, कोकेट मीन्स होता है एक महिला या एक लड़की जो पुरुषों से फ्लर्ट करती है, यानी कि मेल कैंडिडेट से फ्लर्ट करने वाली महिलाओं को, उनको धोखा देने वाली या उनसे मजाक करने वाली महिलाओं को कोकेट बोला जाता है। तो ये आज के 10 वर्ड्स हैं। मैं पुनः कल आपको अगले 10 वर्ड यानी 21 से 30 तक के लिए ये वर्ड्स का सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दैट्स व्हाई एवरी वीडियो नोटिफिकेशन विल रीच यू एज सून एज पॉसिबल आई अपलोड द वीडियो। थैंक यू।